नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा मुख्यालय में विदेशी राजदूतों को भी बुलाया गया। संसद ने दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक करने का विधेयक पारित किया। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश करेंगे। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 में शामिल होने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। UGC अध्यक्ष ने कहा, एंट्रेंस टेस्ट को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को नुकसान न हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने 1 अप्रैल से घोषित आपातकाल हटाया। दक्षिण अफ्रीका में पोचेफेस्ट्रूम में FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराया। और IPL क्रिकेट में मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, कर्नाटक के खादी भगीरथ के नाम से विख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी के प्रयास से दक्षिण भारत में हुडली में अपनी तरह के पहले खादी केंद्र की स्थापना हुई। वे कर्नाटक के शेर के नाम से भी जाने जाते थे। सही उत्तर है गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे। 1905 और 6 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी सामान का बहिष्कार करने अस्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए अभियान चलाया। महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए देशपांडे ने हुडली में खादी केंद्र की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किए। देशपांडे का साहस, अभिव्यक्ति कौशल, बुद्धिमत्ता, सादगीपूर्ण जीवन और विशाल व्यक्तित्व में उन्हें बेजोड़ प्रतिष्ठा प्रदान की। लोकमान्य तिलक के अनुयायी और गांधी जी के भक्त देशपांडे ने भारत को आजाद कराने के संघर्ष में अपने जीवन के 60 वर्ष समर्पित किए। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं रोहतक हरियाणा से विनोद कुमार विज। मैं विनोद कुमार हरियाणा रोहतक में रहता हूं और मैं बचपन से विविद भारती के प्रोग्राम सुनता आ रहा हूं और ऑल इंडिया रेडियो ने अमृत महोत्सव क्विज का प्रोग्राम शुरू किया है। वह बहुत ज्ञानवर्धक है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व आजादी पाने के प्रयासों के बारे में बताया जाता है। मैं शुरू से ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे विजेता घोषित किया है। मैं अपने सभी साथियों का AIR न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 11 अप्रैल को पूछा जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वह आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में शामिल होकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सवेरे 10 बजे संबोधित करेंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक को कल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पार्टी के सांसदों से स्वयं को पार्टी की सेवा के लिए समर्पित करने की अपील की। पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी,
20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल जैसी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे एमपीस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। अम्बेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा को जानिए नाम से एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से विदेश में रह रहे भारतीय लोगों को पार्टी के बारे में जानकारी देना है। इस अवसर पर भाजपा मुख्यालय में विदेशी राजदूतों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री नड्डा 13 विदेशी राजदूतों के साथ बातचीत करेंगे और देश के विकास में भाजपा तथा उसकी सरकारों के योगदान, इतिहास, संघर्ष, सफलता और विचारधारा के बारे में विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा को दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। मेहमानों को विशेष कॉफी टेबल बुक राष्ट्र प्रथम भी भेंट की जाएगी। संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। कल राज्यसभा ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक के बारे में विपक्ष द्वारा रखे गए संशोधन सदन ने नामंजूर कर दिए। विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में फिर से संशोधन करने का प्रस्ताव है और मौजूदा 3 दिल्ली नगर निगम को जोड़कर 1 दिल्ली नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है। इसमें पार्षदों की संख्या 272 से घटाकर अधिकतम 250 करने की भी व्यवस्था है। विधेयक पर गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विधेयक सभी संवैधानिक मानदंडों का अनुपालन करते हुए लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, जहां अलग प्रावधान हैं और संसद को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक किसी भी तरह से दिल्ली के संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। अनुच्छेद 239 AA के साथ अनुच्छेद 239 AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 239 AA 3C इसके तहत संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप को बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त। ये भूल जाते हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र पूर्ण राज्य नहीं, इसका यूटी से भी एक अलग स्टेटस और इसके लिए संविधान के अंदर अलग प्रोविजन है। विधेयक पर बहस शुरू करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक का विरोध किया। उनका कहना था कि ये विधेयक संवैधानिक तौर पर संदिग्ध है और कानूनी रूप से अक्षम है। विधेयक के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये विधेयक संवैधानिक मानदंड के अनुरूप है और कानूनी दृष्टि से उपयुक्त है। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश करेंगे। विधेयक में आपराधिक मामलों में शिनाख्त और जांच के उद्देश्य से दोषी और अन्य व्यक्तियों के रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा यह विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह विधेयक कैदी पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा और इससे सबूत एकत्र करने और छानबीन के काम में काफी मदद मिलेगी। इस विधेयक में अपराधियों की पहचान और अपराध से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है। इससे अपराधों की छानबीन अधिक कुशलता और जल्दी की जा सकेगी। इस विधेयक में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को यह रिकॉर्ड एकत्र करने, इन्हें सुरक्षित रखने और इन्हें साझा करने का अधिकार दिया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। विधेयक में त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज लोकसभा में व्यापक विनाश के हथियारों और उनके आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। विधेयक में व्यापक विनाश के हथियारों और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा में आज यूक्रेन में स्थिति पर भी चर्चा होगी। संसद ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह विधेयक जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास में नए आयाम जोड़ेगा। लोकसभा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल बेंगलुरु में बाबू जगजीवन राम पुरस्कार समारोह के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम स्वरोजगार योजना को एक सप्ताह के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच शुरू किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित कराया जाएगा। 10 मई तक चलने वाले इस सत्र में 22 बैठकें होंगी। संपत्ति कर में हाल में की गई बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों पर सत्र के दौरान सदन में गर्मागर्म बहस की संभावना है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बहस का देंगे जवाब और वो कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये प्रवेश परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। 3.5 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा 2 पारियों में संचालित होगी। अभ्यर्थी इस साल की CUET परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.cuet.samarth.ac.in पर कर सकते हैं और अन्य सभी विवरण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर देख सकते हैं। सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई नुकसान न हो। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जगदीश कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रणाली में कई विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 12वीं के बोर्ड अंकों पर विचार करते हैं और इन अंकों का प्रतिशत 99 से 100% तक पहुंच जाता है, जिससे विद्यार्थियों का तनाव भी बढ़ जाता है। एक तरफ से बोर्ड एग्जाम्स में 98-99% स्कोर लाना है एडमिशन लेने के लिए, नहीं तो हर एक यूनिवर्सिटी को जाके अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट को लिखना पड़ता है। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि एक एंट्रेंस टेस्ट से हम सभी UG प्रोग्राम में, जैसा BA, BCom, BSc होता है, इसमें एडमिशन करने के लिए एक ही एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट सके तो अच्छा होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा है, उसीलिए हमने CUET को इंट्रोड्यूस किया। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा मुख्यालय में विदेशी राजदूतों को भी बुलाया गया है। संसद ने दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक करने का विधेयक पारित किया है। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश करेंगे। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को
भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 में शामिल होने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। UGC अध्यक्ष ने कहा है कि एंट्रेंस टेस्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को नुकसान न हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल से घोषित आपातकाल हटा लिया है। दक्षिण अफ्रीका में पोचेफेस्ट्रम में FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने मलेशिया को हरा दिया है 4-0 से। और IPL क्रिकेट में मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को हराया 4 विकेट से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश में लगाए गए आपातकाल को हटाने की घोषणा की है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद 1 अप्रैल को आपातकाल लगाया गया था, जिसका व्यापक विरोध हो रहा था। सरकारी अधिसूचना में श्री राजपक्षे ने कहा कि मध्यरात्रि से आपातकाल हटा लिया गया है। इससे पहले श्रीलंका में समूचे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था और सत्ताधारी दल संसद में बहुमत खो चुका था। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ऋण संबंधी महत्वपूर्ण वार्ता से ठीक पहले अपनी नियुक्ति के एक दिन बाद ही पद छोड़ दिया था। सोमवार को राष्ट्रपति राजपक्षे ने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था और देश में मिलीजुली सरकार के गठन की घोषणा की थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने वहां के प्रशासन से देश की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशने की अपील की है। भारत और अमरीका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की। ट्वीट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों और यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 185 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 1,97,00,000 टीके लगाए गए हैं। पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 2,37,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 17,90,00,000 से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती पवार ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है। इसके अंतर्गत पीड़ित परिवार को वार्षिक 5,00,000 रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है और इस योजना का उद्देश्य है देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना। देश में 31,000 गांवों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड देने की तैयारी हो रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बसे और घर बना चुके लोगों को संपत्ति के अधिकार का दस्तावेज प्रदान करना है। पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है हर रोज। Man needs salt, as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. 6 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने 241 मील की पैदल यात्रा करने के बाद गुजरात के दांडी गांव में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। ट्रूथ वॉज वंस अगेन ऑन द मार्च। नेवर वॉज द वेव ऑफ पेट्रियटिज्म सो पावरफुल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस एज इट वॉज ऑन दिस ग्रेट ओकेजन। दांडी मार्च से निकली चिंगारी ने
स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल प्रज्वलित की और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गया। डेली गांधी ट्रैम्प्ड अबाउट 10 माइल्स। ऑन द वे ही स्पोक ऑन हिज फेमिलियर थीम्स बिसीचिंग द पीपल टू अब्जर्व अल्कोहल अबैंडन चाइल्ड मैरिज एंड व्हेन द सिग्नल केम टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 13 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ की थी। वे रोज पैदल यात्रा कर आगे बढ़ते रहते और जनसभाओं को संबोधित करते। पैदल मार्च में शामिल प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना, कताई और प्रतिदिन डायरी लिखने की आश्रम की दिनचर्या का पालन करता था। आफ्टर द डेज मार्च थ्रू हीट एंड डस्ट गांधी एंड हिज फॉलोअर्स एंटर द विलेज धर्मशाला for the night's rest. In the evening, the prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. 241 मील लंबी ये यात्रा 5 अप्रैल 1930 को गंतव्य तक पहुंची। पूरे रास्ते में गांधी जी और उनके सहयोगी 22 स्थानों पर रात्रि विश्राम के लिए रुके। 6 अप्रैल को दांडी का माहौल तनावग्रस्त लेकिन शांत था। दिन की शुरुआत प्रार्थना से हुई। गांधी जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। Those who fear the government will leave. Only those who are prepared for jail going and for receiving bullets should accompany me tomorrow morning. गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में अब्बास तैयब जी और उनके बाद सरोजिनी नायडू को सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए नामित किया। प्रार्थना के बाद गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ समुद्र में नहाने चले गए और इसके बाद सुबह 8:30 बजे उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया। पूरा राष्ट्र उस शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ जिसे गांधी जी ने गुंडा राज कहा था। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और गिरफ्तारियां दी। हर जगह नमक डिपो पर छापे मारे गए और नमक उत्पादन को अधिकार में ले लिया गया। धरसाना पर धावे में 289 स्वयंसेवक घायल हुए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का अत्याचार लोगों का मनोबल तोड़ने में विफल रहा। पुलिस ने कलकत्ता, मद्रास और कराची में गोलियां चलाईं और पूरे देश में भारतीयों पर निर्मम अत्याचार किए। महात्मा गांधी को दांडी से 3 मील दूर कराडी में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। आज हम खानदेश महाराष्ट्र के निवासी शहीद बाबूजी दोनसेगिर को भी याद कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। बाबूजी खानदेश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अनेक स्थानों पर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों की आर्थिक मदद भी की और उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 6 अप्रैल 1859 को खानदेश में एक संघर्ष के दौरान वो शहीद हो गए। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा सलाम। आज हम शहीद गुलाम नबी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 1858 में 6 अप्रैल को फांसी पर चढ़ाया गया था। गुलाम नबी ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। गुलाम नबी शुरू में अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिपाही थे। बाद में वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और अनेक अवसरों पर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन पर बगावत और सेना छोड़कर भागने का आरोप लगा दिया। 6 अप्रैल 1858 को गुलाम नबी को अंबाला में फांसी दे दी गई। इस महान राष्ट्रभक्त को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं और आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आपके साथ पंजीकृत होने चाहिए, लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल FOSCOC.gov.in
www.fssai.in/visit करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल के निकट संबंधी को 11 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वो बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार आज पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में पोचेफेस्ट्रूम में FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के पूल डी के मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। ग्रुप चरण में भारत ने सभी तीन मुकाबलों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से पराजित किया है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संभावना है आज लू चलने की। मुंबई में आसमान रहेगा साफ। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने के आसार बनते दिखते हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और लेह में आसमान रहेगा साफ। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ लवलीन जी, आज समाचार पत्रों को पलटें तो नजर आता है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण संबंधी संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा में भी पारित होने पर राष्ट्रीय सहारा कह रहा है कि दिल्ली में फिर एक नगर निगम, प्रशासक के तौर पर विशेष अधिकारी की होगी नियुक्ति। और हिंदुस्तान का कहना यह है कि अब राष्ट्रपति से मंजूरी, बाकी परिसीमन के बाद चुनाव होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बने हुए 22 YouTube चैनल्स को बंद करने का केंद्र सरकार का फैसला राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है और पत्र ने इसे दुष्प्रचार पर सख्ती बताते हुए डिजिटल स्ट्राइक कहा है। आजादी के गुमनाम नायकों को मिलना चाहिए उनका हक, गृहमंत्री अमित शाह की यह सलाह दैनिक जागरण में है। पत्र कहता है कि पाठ्यक्रम में ऐसी शख्सियतों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के दौरान 40% पेड़ों को बचाने की कवायद शीर्षक से जनसत्ता कहता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस बारे में संशोधित प्रस्ताव दिया है। और अगर हम देखें दैनिक भास्कर तो उसकी खबर ध्यान खींचती है कि डार्विन ने 200 साल पहले पक्षियों के रंग में बदलाव की थ्योरी जो दी थी उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब बिल्कुल सही ठहराया है। अखबार कहता है ध्रुवीय पक्षियों के मुकाबले भूमध्य रेखा के पास पक्षी ज्यादा रंग बिरंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा मुख्यालय में विदेशी राजदूतों को भी बुलाया गया। संसद ने दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक करने का विधेयक पारित किया। गृहमंत्री आज राज्यसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश करेंगे। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद 15 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने का निर्णय किया। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूईटी 2022 में शामिल होने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल से घोषित आपातकाल हटाया। और दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने मलेशिया को 4-0 से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।